सुनो समाचार की ओर से मैं मनोज कुमार सिन्हा कैमरामैन नीरज कुमार के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पंचायती राज चुनाव का परिणाम जो आज हुआ है उसके बुलेटिन में सुनाने जा रहा हूं। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो था वह सारण जिले के लालादू प्रखंड के दंदासुर पंचायत था। यहाँ काफ़ी टसल थी और सारे लोगों की नज़र दंदासुर पंचायत पर थी, चूँकि यहाँ के निवर्तमान मुखिया पंकज तिवारी से सभी को काफ़ी टसल था। तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निसार अहमद खां को 574 मतों से पराजित किया। पंकज तिवारी को 1823 मत मिले, जबकि निसार खां को 1249। इस तरह किशुनपुर लोवार पंचायत में भी लोगों की नज़र थी, वहां भी काफ़ी टसल था, जिसमें राकेश कुमार शाह को पराजित करने के लिए लोगों ने काफ़ी पुरजोर कोशिश किया था, मगर राकेश कुमार शाह ने निवर्तमान मुखिया राकेश कुमार शाह थे, राकेश कुमार शाह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश कुमार को 868 वोटों से पराजित किया। राकेश कुमार शाह को 2212 मत मिले, जबकि सुरेश कुमार को 1344 मत पर सिमट जाना पड़ा। दयालपुर की निवर्तमान मुखिया जहरुन्निसा अपना सीट बचाने में अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रही, उन्हें 1113 मत मिले, जबकि पूर्व मुखिया केशव राम की पत्नी बेबी देवी को 1018 मत मिले। इस तरह वह 95 मतों से जहरुन्निसा विजयी घोषित की गई। कटिया पंचायत में राम पुकार राय 993 मत प्राप्त किए, जबकि संजय कुमार ओझा 865 मत प्राप्त किए। इस तरह राम पुकार राय ने 128 मतों से संजय कुमार ओझा को पराजित किए। यहाँ बताते चलें कि दोनों प्रत्याशी नए चेहरे थे। बनपुरा पंचायत में फिर नया चेहरा दिखाई दी मुखिया पद के लिए। यहाँ ऐनुल निशा 1398 मत प्राप्त कर मोहम्मद अब्दुल्ला खां को पराजित किया। मोहम्मद अब्दुल्ला खां को 1318 मत मिले। इस तरह 80 मतों से एनामुल निशा ने अब्दुल्ला खां को पराजित किया। मिर्जापुर में मिर्जापुर पंचायत की निवर्तमान मुखिया बबली देवी भी अपने सीट को बहुत कम मतों से अपने सीट को बचाने में कामयाब रही। वह 29 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जगन्नाथ मांझी को पराजित किया। बबली देवी को 1184 मत मिले, जबकि जगन्नाथ मांझी को 1155 मत मिले। पुरुषोत्तमपुर की निवर्तमान मुखिया उषा देवी भी अपने सीट को अच्छे मतों से बरकरार रखा। वहाँ उषा देवी को 1732 मत मिले, जबकि सीमा देवी को 1413 मत मिले। इस तरह 319 मतों से उषा देवी ने सीमा देवी को पराजित किया। बसही की एकदम नया चेहरा बसही पंचायत में एकदम नया चेहरा पूर्व मुखिया असलम खां की भावे आयशा खातून ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बिंदा कुमारी को 93 मतों से पराजित किया। बताते चले कि आयशा खातून को 1510 मत मिले, वहीं बिंदा कुमारी को 1417 मत मिले। यहाँ भी दोनों चेहरे नए हैं। आयशा खातून भी नई है इस चुनाव के लिए और बिंदा कुमारी भी नई है। इस तरह लहलादू प्रखंड के मुखिया पद का परिणाम
घोषित हुआ और सभी के समर्थकों ने, सभी विजयी उम्मीदवार, सभी विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने पटाखे छोड़े, क्षेत्र में खुशियां मनाई। कुछ ही देर में पंचायत समिति सदस्य का परिणाम लेकर मैं आ रहा हूं। आप मेरे सुनो समाचार चैनल से बने रहिए, सुनो समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।